बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज मैं आपको सिखाऊंगी जिस तरह मैं अपने घर में फालसे का जूस बनाती हूँ। ये फालसे यहाँ पे सिंध में बहुत आते हैं, देखिए काले होते हैं, थोड़े से खट्टे होते हैं, तो लोग यहाँ पे इनका शरबत बना के पीते हैं, इनका स्कॉच बना के रखते हैं, इसकी चटनियाँ बनाते हैं, इसका अचार में डालते हैं, ये बहुत इस्तेमाल होता है यहाँ पे। तो ये मैंने धो के रखा है, आधा किलो से ज़्यादा है। इसमें मैं डालूँगी काला नमक, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और शक्कर, शक्कर इसमें बहुत जाती है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं इतना डालूंगी काला नमक, ये भुना हुआ ज़ीरा मैं ये अपनी तरफ से डाल रही हूँ, वैसे डलता नहीं है, इससे मज़ा अच्छा हो जाता है। मैंने बना के देखा है पहले भी, बहुत मज़े का लगता है। शक्कर ज़्यादा जाएगी तो मैं बस आधे कप से ज़्यादा डाल देती हूँ। चलिए मैं अब इसको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। 3 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें, अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। ये पल्प तैयार कर लिया है हमने इसका, अब मैं इसको छान के इसमें और पानी मिला के फिर आपको बताती हूँ। अब छलनी से हम इसको एक बर्तन में छान लेंगे, सारी गुठलियाँ सारा इसका वो निकाल देंगे, थोड़ा सा और पानी डाल के। इसी तरह बनाया जाता है, ये देखिए ये इतना इसकी गुठली है, इसका ये सब फोक निकलता है, ये मैंने निकाल लिया जितना इसमें से निकल सकता था, बस अब ये इसको फेंक देंगे। जितना निकला है ये हमारा फालसे का जूस निकाला है हमने, इसमें इसमें आइस क्यूब्स डाल दिए हैं। अब मैं आपको ये देखिए, अब मैं आपको इसमें निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये फालसे का जूस तैयार है। आपके इधर फालसे मिलते हो तो इस तरह से बनाइए, पीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत मज़े का जूस होता है ये, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।